हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। चलो स्टॉप प्रभु जी, हरे थैंक यू माता कृष्णा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो शिष्टाष्टकम कौन गाएगा? आशीष प्रभु शिष्टाष्टकम गाएंगे। यस गाइड। मैंने एंड्रॉइड फोन लाया नहीं है, चालू करो। चैतो दर्पणा चेतो दर्पणा मार्जना भवमहातमग्निर्वापणम् कैलवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावतु जीवनम् आनन्दावतु जीवनम् प्रतिपदां पूर्णां मुक्तसास्वादनम् सुशीलवात्मा स्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम् नाम नाम कारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालम् एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव विनादपि श्रीचेनातरोदपि सहिष्णुना अमानिनामादेन कीर्तनीया सदा हरि नागनन्न जनन्न सुन्दरि कवितां मां जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्तिर्हय दुःखी त्वयि नन्दनुजा किङ्करम् पतितां मां विषमे भवान् बुधो कृपया तव पादपङ्कज पिता दुरीसदृशं विचिन्तया युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्यया पादतां विनशुमम् आदर्शनामर्मतां करोति वा यथा तथा वा वितरा कुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दस नाम प्रथ हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा में बोले। यस द नेम ऑफ द सेकंड द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड एज फर्स्ट टू ब्लास्फेम गुरु बोलना कौन से टू ब्लास्फेम द डिविनिटीज तो होंगे ना।
who have dedicated their life. Just a minute. The 10 offenses to be considered to the holy name are as follows. First, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. Second, to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal or independent of the name of the Lord Vishnu. Third, to disobey the orders of the spiritual master. Fourth, to blaspheme the Vedic scriptures or Vedic scriptures in pursuance of the Vedic version. Fifth, to consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination. Sixth, to give some interpretation to the holy name of the Lord. Seventh, to commit sinful activities on the strength of the holy name. Eight, to consider the chanting of the Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as putative activities, karma kand. Ninth, to instruct the faithless person about the glories of holy name. 10th, and to maintain to have complete and not to have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachments even after understanding so many instructions in this matter. It is also an offense to while chanting. Every devotee who claims to be a Vaishnava must guard against these offenses in order to quickly achieve the desired success Krishna prem. हरे कृष्णा बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब हम आगे बढ़ते हैं सारंग प्रभु की तरफ। सारंग प्रभु आज गंगा माता मत के बारे में चर्चा करने वाले। हरे कृष्णा, लास्ट काउंसिलर मीटिंग में मुझे बोलना था बट मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था इसीलिए मैं नहीं बोल पाया, तो क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली जो आचार्य रहते हैं उनके बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा बोलता हूँ। तो सिर्फ हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो आचार्य बड़े थे या डिवोटीज, सुपरफिशियली हमें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी लाइफ कैसी थी और उन्होंने किस तरह अपना जीवन बिताया, किस तरह से वो डिवोशनल प्रैक्टिस करते थे, या अगर हम समझेंगे और तो हमें हमारी लाइफ में उसका बहुत हेल्प होता है। तो अगर हम उनकी लाइफ देखेंगे तो हमें हमारे लाइफ में रियलाइज होगा कि कैसे हम कोई सेवा बताते हैं या कोई चैंटिंग करने के लिए, रीडिंग हियरिंग करने के लिए बोलते हैं तो कैसे हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते रहते हैं। हम हमेशा कुछ सिंपल रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं या फिर थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट हो तो हम मतलब खिचखिचाते हैं। बट जब भी हम आचार्य के लाइफ के बारे में उनके पास टाइम सुनते हैं तो उन्होंने कितने सारे ऑस्टेरिटीज किए, कितने सारे हार्डशिप से गए और कितना उनका फर्म फेथ था, ये हम समझते हैं तो हमें एक होप मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलता है और उनके पास टाइम और सुनने से हमें एक तरह का हैप्पीनेस भी मिलता है। जैसे कि अब हम देखेंगे कि ध्रुव महाराज या प्रहलाद महाराज का पास टाइम, उनमें भी का जो पास टाइम्स है तो उसमें लॉर्ड जो है वो एकदम एंडिंग में आते हैं, बट पहले उनकी लाइफ में उनको कैसे हार्डशिप्स हुए वगैरह वो सब बताया है और उससे हमें एक तरह का ये मिलता है कि फेथ भी मिलता है कि हम भी कर सकते हैं करके, उसके कंपैरिजन में हमें कुछ भी स्ट्रगल्स नहीं है। तो गंगा माता गोस्वामी जो है उनका अपीयरेंस जो है वो राजशाही करके एक आज के बांग्लादेश में प्लेस है राजशाही, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। उनके फादर है वो नरेश नारायण करके एक वहाँ के बड़े किंग थे जो कि बहुत बड़े और इन्फ्लुएंशियल किंग थे और बहुत पैसे वाले भी थे। और उनकी वाइफ जो थी वो भी एक अच्छी और भगवान की भक्त थी। और ये नरेश नारायण राजा और उनकी वाइफ, इन दोनों को सिर्फ एक ही बच्चा था और वो थे सच्ची देवी, यानी कि वो आगे जाके गंगा माता गोस्वामिनी बने, सच्ची देवी उनका नाम था। तो जब वो छोटे थे तब वो संस्कृत ग्रामर वगैरह पढ़ते थे, व्याकरण काव्य अलंकार ऐसे सब कुछ पढ़ा उन्होंने और वो बहुत इंटेलिजेंट थे।
तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्हें अच्छे से पढ़ने आने लगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल बुक्स ही पढ़ते थे, जिसमें ऐसे बुक्स जिसके कारण वो कृष्णा को अच्छे से रिमेम्बर कर पाते, कृष्णा के ज्यादा पास में महसूस कर पाते उन्हें। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनके पेरेंट्स जो है वो उनके लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, बट उनको शादी करनी नहीं थी, तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या कंडीशन डाली कि मुझे ऐसे हस्बैंड, ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना है जो ना बूढ़ा हो, जो ना कभी उसे कोई बीमारी हो, वो हमेशा के लिए यंग रहे, ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो उनके पेरेंट्स उन्हें कन्विंस नहीं कर, मतलब वो नहीं हो पाया, उनकी शादी नहीं हुई। इवेंचुअली उनके पेरेंट्स जब गुजर गए तो गंगा माता गोस्वामी, मतलब सची देवी, वो उस राज्य की रानी बन गई। तो वो जब रानी थी तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस राज्य पे ये किया, राज्य किया, वहाँ की सभी प्रजा वगैरह बहुत हैप्पी थी। और इवेंचुअली उन्होंने उनका जो किंगडम है वो उनके रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर दिया। तो यहाँ पे एक एनालॉजी बताई गई कि इतना बड़ा राज्य, सब कुछ कंफर्ट्स वगैरह होने के बावजूद भी वो उस राज्य में अटके नहीं पड़े, उन्होंने वहाँ, मतलब एक टाइम के बाद उन्होंने वो सब हैंड ओवर कर दिया। तो यहाँ पे एक दो एग्जांपल दिए गए कि कैसे स्पाइडर और सिल्क वर्म, मतलब रेशम कीड़ा जो होता है, तो रेशम कीड़ा जो होता है वो बहुत अच्छे से वो रेशम का घर बनाता है, उसके अंदर ही वो फंस जाता है, उसे बाहर आता भी नहीं। बट जो स्पाइडर रहता है वो जो जाला बिछाता है उसमें से वो कहीं पे भी घूम सकता है। तो अच्छे से हमें ड्यूटीज भी करने चाहिए, बट उस ड्यूटीज के कारण हमें यहाँ पे अटक जाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ से बाहर पड़ना है, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए हमारे ड्यूटीज करते टाइम पे। सिल्क वर्म की तरह हमारी ड्यूटीज एकदम एक्सलेंट करके यही पे फंस नहीं जाना है, ये एक यहाँ पे सीख बताई गई। फिर जैसे उन्होंने उनके राज्य रिलेटिव्स के पास दिया और वो जगन्नाथपुरी की तरफ चली गई, तो जगन्नाथपुरी में वो जगन्नाथ जी का दर्शन वगैरह लेते थे, वहाँ पे सेवा करते थे। तो वहाँ पे एक दिन जगन्नाथ जी ने उनको सपने में आकर इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप वृंदावन चलते चलते जाइए, जगन्नाथपुरी ओडिशा से यूपी में वृंदावन में चलते जाइए, और वहाँ पे जो हरिदास गोस्वामी पंडित थे उनका शरण लीजिए, ऐसे बताया गया। तो हरिदास गोस्वामी पंडित जो है वो गदाधर पंडित के शिष्य अनंत आचार्य थे, अनंत आचार्य के शिष्य हरिदास पंडित थे। तो जब वो हरिदास पंडित के पास गए तो जो ये हरिदास पंडित जो थे वो उनके ग्लोरीज बहुत ज्यादा, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी ग्लोरीज उनके बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है। उसमें से दो क्वालिटीज उनके बहुत बड़े जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे, और दूसरी बात कि वो हमेशा सभी में अच्छे क्वालिटीज देखते थे और किसी में बुरा नहीं ढूंढते थे। तो यहाँ पे दूसरी एक सीख मिलती है कि बम्बल भी या फिर हंस जो रहता है वो वर्सेस फ्लाइज या फिर कौवा क्रोज जो रहते हैं। तो अगर किसी गार्डन में बहुत सारे फूल है और वहाँ पे बहुत अच्छे स्मेल वाले फूल है, बट अगर वहाँ पे थोड़े किसी कॉर्नर में गंदगी है तो फ्लाइज हो या फ्लाइज मतलब मक्खी है या फिर कौवा हो, तो वो सभी फूलों की तरफ नहीं जाते, वो डायरेक्टली उस गंदगी के पास चले जाते हैं। बट अगर वही किसी कूड़े में या फिर किसी गंदी जगह पे बम्बल भी अगर जाती है तो वहाँ पे भी वो फूल ढूंढती है या फिर हनी ढूंढती है और वहीं पे चली जाती है, या फिर अगर किसी दलदल वाली जगह में स्वान चला जाए तो वो वहाँ पे भी लोटस कमल को ढूंढता है। तो ये हरिदास पंडित या फिर जो अच्छे डिवोटीज रहते हैं वो हमेशा दूसरों लोगों में अच्छे क्वालिटीज ढूंढते हैं। किसी में अगर सभी में कुछ ना कुछ फॉल्ट रहते हैं, कुछ ना कुछ कमियां रहती है, बट उसमें हमें ये भी एक कृष्णा की ब्लेसिंग है कि कुछ ना कुछ हमें
कुछ ना कुछ हमें ये भी कृष्णा ने अच्छे क्वालिटीज भी दिए रहते हैं, तो हमें वही सभी में अच्छे क्वालिटीज देखने रहते हैं। और तो हरिदास पंडित जो थे वो उनके ये ऐसे क्वालिटीज थे कि वो सभी में हमेशा अच्छे क्वालिटीज देखते थे। तो जब ये गंगा माता गोस्वामी ने हरिदास पंडित के पास गई तो हरिदास पंडित जी ने टेस्ट लेने के लिए हरिदास पंडित जी के लेक्चर्स पहले सुनते थे सच्ची देवी यानी कि गंगा माता गोस्वामी। और इवेंचुअली हरिदास पंडित जी से उन्होंने जब दीक्षा मांगी तो वो बोले कि आप एक रानी है, यहाँ पे वृंदावन में आपको बहुत तपस्या होती होगी, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आप वापिस अपने राज्य में चले जाइए, ऐसे बोले, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए अच्छे कंडीशंस नहीं है। बट सच्ची देवी जो है वो समझ गए कि हमारे गुरुदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे वृंदावन में ही रहना है करके, और वो वृंदावन में रह गए। फिर उसके बाद उन्होंने गुरुजी मतलब उनके गुरु से बेग किया कि मुझे यहीं पे रहना, प्लीज एक्सेप्ट करिए करके। तो इवेंचुअली फिर गुरु ने बोला कि आप रानी हो फिर भी आप वृंदावन में जाके भिक्षा मांगिए, भक्तों की सेवा कीजिए करके। तो वो बहुत खुश हो गए कि गुरु ने कुछ तो सेवा दिया और एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया करके, उनकी दीक्षा नहीं हुई थी बट सेवा, बहुत खुश हो गए। तो फिर वो सभी भक्तों की सेवा वगैरह करने लगे और उनकी सेवा, सेवा भाव से और सेवा से सभी भक्त जो है वो बहुत खुश हो गए थे उनकी सिंसियरिटी से। फिर इवेंचुअली उनके गुरुदेव ने हरिदास पंडित जी ने उनको लक्ष्मी प्रिया जो कि जो हरिदास पंडित जी की डिसाइपल है और सच्ची देवी की मैटरनल मम्मी आंट है, मैटरनल आंट है, उनके पास भेजा और उनसे गाइडेंस लेने के लिए भी बोला था, क्योंकि लक्ष्मी प्रिया जो है वो उनसे बड़ी, लक्ष्मी देवी जो है वो उनसे बड़ी थी। फिर और लक्ष्मी देवी जी और सच्ची देवी ये दोनों राधा कुंड में गए थे, वहां पे वो डेली 300,000 नेम्स डेली चैंट करते थे। फिर हरिदास पंडित जो है वो बहुत खुश थे सच्ची देवी पे, क्योंकि वो जो भी टेस्ट लेते थे उसमें सच्ची देवी मतलब पास होते थे। फिर इवेंचुअली उन्हें दीक्षा दे दी गई और उन्हें बोला गया कि आप वापिस जगन्नाथपुरी जाओ और वहां पे उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी एसोसिएट्स उस टाइम पे नहीं थे, वो चले गए थे। तो उन्होंने बोला कि वहां पे आप जगन्नाथपुरी में जाइए और क्षेत्र संन्यास लीजिए, मतलब हमेशा के लिए जगन्नाथपुरी में ही रहिए। और वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य की जो ड्यूटीज है, सार्वभौम भट्टाचार्य के जो पर्सनल ड्यूटीज थे उनकी, उनके घर की और उनकी ड्यूटीज की केयर लेने के लिए और भक्ति का प्रसार करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, तो वहां पे वो गए थे। उसके बाद फिर जब उन्होंने उस घर का केयर लेना चालू किया, घर की ड्यूटीज वगैरह के सेवा भी कर रहे थे और बहुत प्रचार भी करते थे, तो वहां पे जब वो प्रचार करते थे तो वहां पे वहां का जो राजा था किंग मुकुंद देव करके, तो वो भी राजा वहां उनकी कथा सुनने के लिए वगैरह आते थे और वो राजा उन्हें कुछ देना चाहते थे। और सच्ची देवी ऐसी थी कि वो खुद रानी हो के भी उन्होंने उनका राज्य त्याग करके आए थे, तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं था और राजा कुछ देना चाहता था। तो जगन्नाथ जी राजा के सपने में आए और उन्हें बोला कि आप कुछ देना चाहते बट वो लेना नहीं चाहती, बट वो जो सच्ची देवी है वो कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो इसीलिए वो भले ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का केयर ले रहे थे बट वो उस घर में रहते नहीं थे, तो उनके रहने के लिए अच्छा सा एक जगह बना दिया उस राजा ने। और उसके बाद एक पास टाइम ये भी था कि सच्ची माता को उन्हें एक बार गंगा सागर मेला हो रहा था, तो उन्हें गंगा उस वो अटेंड करना था बट वो गंगा रिवर से बहुत दूर थे, तो जगन्नाथ जी उनके सपने में आए और उन्हें बोले, जब वो वृंदावन में थे तब ये हुआ था, तो बोले थे कि आप वहाँ पे मानस गंगा जो है वृंदावन में वहाँ पे आप स्नान कीजिएगा। तो जब वो वहाँ पे गए मानस गंगा में स्नान करने के लिए
तो मानस गंगा में उन्होंने स्नान करने के लिए वो जब डुबकी लगाई तो वहां से वो निकल के डायरेक्टली जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के अल्टर में चले गए थे। तो जब पुजारियों ने दरवाजा खोला मंदिर का तो वहां पे अंदर सची देवी दिखी, गंगा माता गोस्वामी। तो सभी पुजारियों को लगा कि ये कोई चोर होगा शायद, इतना दरवाजा बंद होते हुए भी अंदर आए करके। तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया। तो उस रात में जो राजा थे और जो हेड पुजारी थे उन दोनों के सपने में जगन्नाथ जी आए और उन्हें बताया कि ये मेरे भक्त है और उन्हें छोड़ दो करके। तो उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतने अच्छे से बताने के लिए। कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी को पूछना है आपको, मुझे नहीं पूछना। हरे कृष्ण। ओके तो यस वन स्मॉल क्वेश्चन। आई मीन इज दिस मानस गंगा एंड मानसी गंगा सेम थिंग और देर आर डिफरेंट? यस सेम थिंग सेम थिंग सेम थिंग। ओके थैंक और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है तो हम अगले विषय पे जाएंगे। हम चर्चा कर रहे हैं भागवतम के तीसरे स्कंद से। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि कैसे दिति और कश्यप के बीच में 14वें अध्याय में वार्तालाप होता है और दिति को पुत्र प्राप्ति के लिए वो कश्यप मुनि से रिक्वेस्ट करती है। अब इसके आगे क्या होता है इसके हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब दिति को दिति के साथ संभोग करते हैं कश्यप और उनके उसके बाद वो जो चर्चा होती है उसमें हमने देखा था कि दिति को पता था कि ये शुभ समय नहीं है, फिर भी संभोग करने के लिए उसने बहुत फोर्स किया था और कश्यप मुनि फिर उसको बाद में फटकारते हैं। और फिर जब उसको समझ में आता है कि मेरे पुत्र जो हैं मेरे पेट में उनको विष्णु मारने वाले हैं और ब्राह्मण नहीं मारेंगे तो वो खुश हो जाती है। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया। तो उसके बाद फिर कश्यप मुनि उसको बताते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र का पुत्र होगा उसका नाम प्रहलाद होगा और प्रहलाद जो है बहुत बड़ा भक्त बनेगा, तो उसे बहुत बहुत खुश होती है। तभी हम 15वें अध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए या मेरे साथ साथ दोहराइए। तो अनम्यूट मत कीजिए, जहां पे हैं वहीं पे स्क्रीन पे देख के आप दोहरा सकते हैं। मैत्रेय उवाच प्रजापत्यम दुत तेज पर तेजो हनम दिति दधार वर्षाणि शतम शंकमाना शंकमाना सुरादनाथ। तो मैत्री मुनि बोल रहे हैं कि विदुर जी, अभी मैत्री और विदुर जी के बीच में संवाद चल रहा है जैसे आपको पता है। तो दिति जो कश्यप मुनि की पत्नी थी वो समझ सकी थी कि उनके अभी पेट में जो पुत्र हुए हैं देवी देवताओं को बहुत परेशान करेंगे और उसको पता था कि अगर ये बाहर जैसे ही आएंगे तो मेरे पुत्र जो हैं सारे देवी देवताओं को परेशान करेंगे, इसलिए उसने पेट में ही उसको रखा था। तो आचार्य बोलते कि ये एक उसका कारण था। दूसरा कारण ये था वो नहीं चाहते थे कि अपने पुत्र तुरंत पेट से आने के बाद मर जाए, है ना। वो डर डर था उसको कहीं विष्णु उनको तत्काल मार न दे, तो उसके कारण उसने अपने पेट में 100 साल तक रखा। और ये 100 साल भारत के 100 साल नहीं है, धरती के 100 साल नहीं है, ये 100 साल है स्वर्ग के, स्वर्ग के 100 साल है। तो उसको वहां तक उसने अपने पेट में रखा था। आगे बढ़ते हैं दूसरा श्लोक। लोके ते न हता लोके लोकपाल हतौषज न्याविदेन सुविसृज ध्वांता व्यतिकरण कर्म दिशम। तो अभी पेट में दिति के पेट में दो पुत्र हैं। अब उन दो पुत्रों के कारण जो चंद्र है और सूर्य है उनका भी जो तेज है चला गया। इसका मतलब है पूरी पूरे ब्रह्मांड में सब जगह अंधेरा फैल गया। अब ये अंधेरा फैलने के कारण हुआ क्या कि सारे देवी देवता एकदम परेशान हो गए। उनको समझ में आ रहा था कि अंधेरा कैसे हो गया, क्योंकि दो ही क्रम अंदर होता है, या तो जब स्पेशली पृथ्वी के पृथ्वी तल पर
जब कोई इक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है तब अंधेरा होता है, या तो जब संहार होता है तब अंधेरा होता है। तो जो देवी देवता है वो उसको समझ नहीं पा रहे। तो आप देखिए कितनी शक्ति है इन दोनों के, बच्चों के बीच में, बच्चों में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष। अब दिति के पेट के अंदर ये दोनों बालक हैं, पर उनकी शक्ति के कारण सब जगह अंधेरा फैल गया। इसका मतलब क्या है? कोई कौन बता देता कि अंधेरा क्यों फैल गया? सब जगह डर का वातावरण क्यों निर्माण हो गया? Is it the sign of future this one disturbance being created by these Hiranyakashipu and Hiranyaksha? नहीं, वापस बोलिए, आपका आवाज ठीक से नहीं आया। ये शायद आगे जाकर जो उन्होंने जो डिस्टरबेंस जो करने वाले हैं ना, इसके लिए अंधेरा के सब जगह पे अंधेरा दिखाना चालू हो गया लगता है। ओके ओके, और कुछ? देखिए दोनों जीवों में इतनी शक्ति थी कि उन शक्ति के कारण, अब ये नेगेटिव शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति नहीं है, उस नेगेटिव शक्ति के कारण सब जगह अंधेरा फैल गया। जैसे बोलते हैं कि कलयुग जो चालू होता है सब जगह अंधेरा फैलता है। अंधेरा क्या है? अंधेरा मतलब अज्ञान का स्वरूप है। तो उस ये दोनों ही अज्ञान के स्वरूप को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसके लिए अंधेरा फैल गया। और ये बताने के लिए कि कोई एक शक्तिशाली व्यक्तिमत्व अभी जन्म लेने वाला है, ये बताने के लिए अंधेरा फैल गया। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, तत्पर में लिखते हैं कि देखिए सूर्य जो है सारे ग्रहों का राजा है। सूर्य ग्रह से ही सारे ग्रहों को लाइट मिलती है। जब सूर्य नहीं हो तो कोई भी ग्रह चल नहीं सकता है। चंद्र भी है, सूर्य से ग्रह लाइट लेता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। बाकी सारे तारे भी सूर्य से लाइट लेते हैं। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी में भी सूर्य से ही लाइट आता है। इसका मतलब है कि सूर्य जो है सारे ब्रह्मांड का सेंटर है, उसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती है। तो जो मॉडर्न थ्योरी है, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत सारे सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में। ऐसा नहीं है, हर एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है और ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है ना। तो इस सूर्य से ही सारे ग्रहों को लाइट मिल रही है। ऐसे तो प्रभुपाद लिखते हैं प्रपट में कि जो राक्षसी प्रवृत्ति थी दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की, उन राक्षसी प्रवृत्ति के कारण ही सूर्य और चंद्र के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ और इसके कारण वो अंधेरा हो गया, फैल गया। इसका मतलब है कि वो लाइट दे नहीं पाए सूर्य और चंद्र। ऐसे आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक। देव ऊचु तम एतद् विभो वित्त संविघ्न यद व्ययम् प्रशम नहीं अव्यक्तम भगवत कालीना स्पृष्ट वर्तमान। अभी देवी देवता जो है परेशान हो गए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अरे ब्रह्मा जी देखिए सब जगह अंधेरा हो गया है ना, ये किस कारण हुआ है आपको तो पता है, तो अभी समय काल कैसे चल रहा है कि इसके कारण इतना अंधेरा हो गया है। ऐसे तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को विभो नामक से उनको पुकारा गया है। विभो मतलब विभु, एक्चुअली जनरली भगवान कृष्ण को विभु बोलते हैं और हमको अनु बोलते हैं, है ना, पर यहाँ पे उनको देवी देवता उनको विभो बोल रहे हैं। और एक तरह से एक्चुअली ब्रह्मा जी जो है इस धरती के लिए या ब्रह्मांड के लिए पूरे सृष्टि के लिए भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए भी उनको विभो बोला गया है। और एक शब्द यहाँ पे हुआ है, नहीं इस श्लोक में नहीं आया है, पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जो देवी देवता होते हैं या बड़े बड़े सेज होते हैं, साधु होते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं या त्रिकाल यज्ञ होते हैं। मतलब क्या कि उनको आगे का, पीछे का और अब का सब पता होता है। ऐसे तो इसीलिए उनको त्रिकाल यज्ञ बोलते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, श्लोक। देवदेव जगद्धातर लोकनाथ शिखामने परेशाम परेशाम त्वं भूतानाम असि भावत्वित। ओ देवताओं के भगवान, अभी उनको देवताओं के भगवान बोल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कृष्ण भगवान देवता के भगवान है, फिर भी उनको बोल रहे हैं। सारे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड को आप धारण करते हो, आप सारे देवी देवताओं के
सुवर्ण मणि हो, ऐसे बोल रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी जो हैं लगभग कृष्ण भगवान के उतने हैं, कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान नहीं है पर उनके लेवल पे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि उनमें काफी शक्ति है, पूरी सृष्टि का निर्माण करना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए उनको उसका दर्जा दिया गया है। एक्चुअली भगवान नहीं है वो, सृष्टि निर्माण करते हैं, सेकेंडरी बनाते हो, खुद से नहीं बनाते, भगवान के शक्ति से ही बनाते, पर फिर भी उनको उसको स्वरूप बताया गया है। ओके, तो अभी उनको इसलिए पता है कि क्या हुआ है, तो उनको तो पता होगा इसलिए वो बता सकते हैं, ऐसे बोल। पांचवा श्लोक, नमो विज्ञान वीर्याय मायेदम उपेशु गृहत गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनय। तो सारे सृष्टि का पूर्ण शक्ति आपके पास ही है, ज्ञान भी आपके पास ही है, तो आपको नमन हो। तो आपने जो रजोगुण है वो धारण कर लिया है, सृष्टि में जो रजोगुण है उसको धारण किया है, और उसके चलते उसी एनर्जी से आप सब कुछ बना रहे हो, ऐसे। तो वेद जो है, वेद से ही सब ज्ञान आता है, और कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण में वेदों वेद दिए थे। तेने ब्रह्म आदि हृदय कवि मुह्यंति यत सुराया, ये पहला श्लोक है भागवतम का। तो उसमें बताते हैं भगवान की, ये जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था कृष्ण भगवान ने ही ज्ञान दिया था, ऐसे गर्भदक्षा विष्णु के स्वरूप। आगे बढ़ते हैं, ये त्वारनिन्न भावेन भावयन्ति आत्मभावनाम आत्मानि प्रोत भूवानाम परम सद असद आत्मकम। तो भगवान सारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, आपके कारण ही उद्भूत हुए हैं, और जो सारे जीव हैं आप ही से आए हैं, तो इसलिए आप ही पूरे सृष्टि का कारण हो, और आपके ऊपर जो मेडिटेट करता है उसको भक्ति मिलती, तो उसको उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, इसलिए उसे इसी प्रार्थना बोल रहे हैं। सप्तवा श्लोक, तेषां सुपक्व योगानां जित श्वासेन्द्रियात्मनां लब्ध युष्मत् प्रसादानां न कुतश्चित् पराभव। इस सृष्टि में, भौतिक दुनिया में आपकी कोई हार नहीं है, सॉरी ब्रह्मा जी को नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस भौतिक दुनिया में जो मन को और इंद्रियों को काबू कर सकता है उसकी कोई हार नहीं है, और योग जो करते हैं इसीलिए करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि देखो योग धारणा जो करते हैं लोग, उसका कारण ये नहीं है कि हमारा शरीर अच्छा रखना है, उसका कारण है कि मन और इंद्रियों के ऊपर काबू करना ही आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। जब हम मन और इंद्रियों के ऊपर काबू करेंगे तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो हमारे योग करने का, भक्ति योग करने का भी एक मूल कारण यह है कि हम पहले मन और इंद्रियों को काबू करें। जब तक मन और इंद्रियों को हम काबू नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं भी परपट में कि भगवान की, देखिए आप लिखते हैं, भगवान की जगह दया हमें पानी है तो हमारे मन और इंद्रियों को काबू रखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे पॉसिबल है, प्रभुपाद खुद लिखते हैं कि दिस इज पॉसिबल एक्चुअली व्हेन फुल्ली एंगेज इन कृष्ण का, पूरी तरह से मन और इंद्रियों को काबू में रखेंगे और भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी वो पॉसिबल, वरना नहीं पॉसिबल। तो जो भक्त, जो व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस होता है, भगवान की सेवा में अपना मन और सब कुछ लगाता है, वो भौतिक दुनिया में उसका मन लग नहीं सकता, है ना। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो कभी भी इस दुनिया में हारते नहीं, ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसीलिए नारायण पर सर्वे यत कुतश्चन विभति, ऐसे बोला गया है, जो भक्त होते हैं भगवान नारायण के वो कभी भी हारते नहीं है। तो देखिए हमारे पूरे आध्यात्मिक जो हम भी कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसका मूल जो हेतु है वो है भगवान के लिए रति उत्पन्न करना। अगर भगवान के लिए रति उत्पन्न ना हो तो वो क्या है, श्रम ये वही केवल है, कोई इतना श्रम करके कोई फायदा नहीं। इसका मतलब है कि हमें अगर भगवान की रति उत्पन्न करना है तो हमें पहले इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर काबू करना पड़ेगा। काबू करना पड़ेगा मतलब क्या, काबू करना पड़ेगा मतलब है कि भगवान की सेवा में हमको लगना है, और जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारे जो मन है और इंद्रियां हैं पूरी तरह से आध्यात्मिक बनेंगे, और इन मन और इंद्रियों को भौतिक चीजों में उलझने नहीं देना है जितना जरूरी है। देखिए हम जो यहाँ पे भौतिक जगत में आए हैं हम पूरी तरह से उलझ गए हैं, पर और भौतिक दुनिया ऐसी है कि जितना तुम उलझो उतना और ज्यादा उलझ सकता है व्यक्ति,
जैसे कोई व्यक्ति होता है पहले उसकी वो कॉलेज खत्म करता है फिर जॉब लगता है उसको, तो जब जॉब लगता है तो उसके पास हार्डली कुछ घर में होता है, ऐसे बैचलर की तरह रहता है वो व्यक्ति और उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक फ्लैट लेता है, अपने कपड़े और छोटा पर कुछ सामान लेकर रहता है। पर जब शादी होती है तो उसको बड़ा फ्लैट चाहिए होता है, फिर उसमें फिर सब कुछ आता है, फिर किचन आएगा, फ्रिज वॉशिंग मशीन आएगा, फ्रिज आएगा, फिर घर के बर्तन आएंगे, सोफा आएगा, बेड आएगा, सब कुछ आता है, फिर बच्चे आते तो फिर फ्लैट एक्सपांड होता है। तो ऐसे करते 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 घर में इतना सामान इकट्ठा हो जाता है कि फिर बाद में जब कोई घर शिफ्ट करते तो अरे इतना सामान कहाँ से आ गया। इसका मतलब है कि जितना हम भौतिक दुनिया में उलझेंगे, मन को खुद को लगाएंगे, उतना ज्यादा उलझेगा। और यहाँ पे उल्टा बोल रहे हैं प्रभुपाद कि तुमको मन और इंद्रियों को कृष्ण की भक्ति में लगाना है, जब तक वो लगाएंगे तब तक कृष्ण के लिए रति उत्पन्न नहीं होगी और फिर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और भक्ति का जो पर्पज है वही नष्ट हो जाएगा। तो हमको चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे मन और इंद्रियों को भक्ति में लगाएं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा जब ध्यान पूर्वक होना चाहिए। बार बार हम इसके बारे में चर्चा करते हैं क्योंकि जब तक जब ध्यान पूर्वक ना हो तब तक हमारे मन और इंद्रिय इधर से भटकेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाएंगे। क्योंकि मन जो होता है, और आगे भी आएगा और आप आगे श्लोकों में जब वैकुंठ के विमानों के बारे में और लोगों के बारे में चर्चा होगी तब हम चर्चा करेंगे, पर हर जीव को सुख ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है हर जीव। और जब तक उसको मूल स्वरूप में जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जब तक हमारा जो मूल स्वरूप है वो नहीं मिलेगा तब तक वो शांत नहीं हो सकता। जैसे कोई सीरियल देख रहा है तो उसको उसमें आनंद दिख रहा है, मैच देख रहा है उसमें आनंद दिख रहा है, कोई संभोग कर रहा है उसमें आनंद दिख रहा है, हर जगह व्यक्ति जो है आनंद ढूंढ रहा है पर उसको आनंद नहीं मिल रहा क्योंकि इस भौतिक दुनिया में आनंद है ही नहीं। तो जब तक वो पूरी तरह से कृष्णामृत ना हो जाए तब तक उसको आनंद नहीं मिलेगा। और यही वैकुंठ के जो निवासी हैं उनमें दिखता है और आगे जाके अभी चर्चा करने वाले हम लोग कि वो विमान में अलग अलग उनकी पत्नियों के साथ, एक पत्नी अलग अलग पत्नियां होंगी और सब कुछ सारे सुंदर है उनके साथ घूम रहे हैं, पर एक क्षण के लिए भी उनके मन में विचार नहीं आ रहा कि इसके साथ मैं संभव करूं। उनके मन में विचार यही है कि भगवान की मैं सेवा कैसे करूं। इतना ऐश्वर्य है वैकुंठ में कि अगर कोई भी साधारण जीव इतना ईश्वर मिल जाए तो फिर वो संभोग करने की इच्छा करेगा, एंजॉय करने की इच्छा करेगा। पर जब जीव पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है तब उसको भौतिक कोई चीज सूझता ही नहीं, सेल्फिश कोई चीज सूझता ही नहीं। तो उस स्तर पे हमें जाने का प्रयत्न करना है। तो हम इससे अभी देख रहे हैं कि देखिए कि ये जो योग कर रहे हैं, हम भक्ति योग कर रहे हैं, उसका साधन ये है कि हम पूरी तरह से अपने को आध्यात्मिक कर लें। जैसे कोई एक स्पंज होता है, स्पंज को आप अगर पानी में डुबो दो, शुद्ध पानी में डुबो दो, उसमें शुद्ध पानी आएगा, और वही अगर आप उसको निचोड़ो तो पानी आएगा। उसी को अगर सीवेज के पानी में डालो तो गंदा पानी आएगा। वैसे हमारा मन है और हमारी इंद्रियां हैं, उसको अगर हम गंदे इंट्रैक्शन देंगे या भौतिक इंट्रैक्शन देंगे तो सब कुछ गंदा ही आएगा उसमें। जितना ज्यादा हम कृष्ण कथा सुनेंगे, जितना ज्यादा हम जपा करेंगे, जितना ज्यादा हम भागवतम पढ़ेंगे, उतना जो मन है प्यूरिफाई होते जाएगा। तो यही हम इससे सीख रहे हैं। इसके बारे में और चर्चा आएगी अभी आगे आगे के श्लोकों में। आगे बढ़ते हैं, आठवां श्लोक। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्ते वयन्त्रिया यन्त्रिता हरन्ति बलिम् आयत्तास्तस्मै मुखायाते नमः। अभी देवी देवता बोल रहे हैं कि जो सारे जो जीव हैं वेदों के, जो भी वेद शास्त्र लिखे हैं उसके द्वारा चलते हैं। जैसे कोई एक बैल होता है, बैल को क्या करते हैं, रस्सी से बांधते हैं और उसको बोलते हैं ना कि जो गोल गोल घुमाते हैं तेल निकालने के लिए, है ना, तो उसके नाक में रस्सी लगी हुई, तो जब तक वो रस्सी है तब तक वो सुनता है। वैसे ही देवी देवता बोल रहे हैं कि वेदों के कारण ही लोग बंधे हुए हैं। इसका मतलब है कि वैदिक शास्त्र जब तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं तब तक हम सही रास्ते पे हैं। जब वैदिक शास्त्रों को फॉलो करना बंद कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ,
तो बोल रहे हैं कि जिस जिन्होंने वेद लिखे हैं या उनकी के कारण आए उनको मेरा नमन नमन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो वेद क्या होते हैं, वेद है भगवान के नियम, भगवान ने जो नियम बनाए हैं वही वेद में लिखे हैं, तो उनको हम वॉयलेट नहीं कर सकते हैं उनका। जैसे प्रभुपाद ने हमें चार नियमों का पालन करने के लिए बोला है, तो उनको हम वॉयलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये वैदिक संस्कृति से आया, वैदिक शास्त्रों से आया। तो जो भौतिक दुनिया में लोग आए हैं वो इंद्र तृप्ति करने के लिए आए हैं, और वो सारे जो वेदों के नियम है उसको उल्लंघन करना चाहते हैं। जब तक हम उल्लंघन करते रहेंगे तब तक हम सुखी नहीं रहे। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे देखिए, अदरवाइज देयर वी पुट इन अ मोर मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। जब तक वो जीव भौतिक दुनिया में है और वो शास्त्रों के अनुसार चल रहा है उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, पर वो शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहा है उसको बहुत कष्ट होंगे, है ना? ऐसे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौवां श्लोक, सत्वम विदत्सु संभूमां तमसा लुप्त कर्मणाम अदब्रोदया दृष्ट्वा आपन्नाम अर्हसीक्षुतम। तो हमारी तरफ आप दया करिए, हम अभी उनको क्या डर लग रहा है कि अभी इतना अंधेरा हो गया है, सृष्टि का नाश तो नहीं होने वाला। जो राक्षस आए हैं उनको पता है कि राक्षस आए हैं, उसके कारण सृष्टि का नाश होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, उसके पहले भी होता है ना। अलग अलग देवताओं को अलग अलग सृष्टि में अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, उनको पता है। अब हालांकि ये सतयुग है और सतयुग के अंदर हो रहा है, फिर भी उसके पहले युग में उन्होंने देखा हुआ है, इसलिए उसको पता है कि ऐसा कोई राक्षस आने वाला है और हमारा पूरा बैंड बजाने वाला है। देखिए अभी प्रपात इस प्रपात में लिख रहे हैं नौवें श्लोक में कि पूरी तरह से अंधेरा होने के कारण जो उनके सारे कार्य थे खत्म हो गए। इसका मतलब है कि सूर्य जो है उग ही नहीं पाया, सूर्य का प्रकाश ही खत्म हो गया और चंद्र का प्रकाश खत्म हो गया। इसका मतलब है सब जगह प्रकाश ही नहीं। तो प्रकाश हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सूर्य प्रकाश जो होता है कितना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि सूर्य प्रकाश नहीं तो सब कुछ बंद हो जाता है। और प्रपात यहाँ पे लिखते भी हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है, वहां पे दिन कब होता है और रात कब होती है पता नहीं चलता। जैसे हम लोग यूके में थे तो समर में रात को 10 बजे सूर्यास्त होता है और सुबह 4 बजे सूर्य खुलता है ना, और विंटर में शाम को 4 बजे सूर्यास्त होता है और सुबह 8 बजे 9 बजे सूर्योदय होता है। इसलिए वो लोग डेलाइट सेविंग करते हैं, इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा क्लॉक पीछे करते हैं ताकि सुबह जल्दी हम उठ के जा सके, क्योंकि जब तक सूर्य तब तक लोग काम करते हैं, उसके बाद तो काम नहीं करते, वैसे ही काम नहीं करते लोग, है ना? तो इसका मतलब है कि हमारे एक्चुअली पूरा जीवन जो है सूर्य के प्रकाश के ऊपर ही निर्भरित है, और सूर्य के प्रकाश को, सूर्य और चंद्र को भगवान की आंखें मानी गई। जब तक सूर्य तब तक हम हमारा चलेगा, सूर्य नहीं है तो फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, एष देव अदितेर गर्भ ओज कश्यपम अर्पितम दिशस्ति मिर्यन सर्वा वर्धते अग्निर इवायदसी। तो अभी वही बोल रहे हैं कि जैसे आग में कोई हम घी डालते हैं या तेल डालते हैं तो जैसे जलता है, वैसे ही इस कश्यप मुनि ने दिति के पेट में ये गर्भ डाल दिया है जिसके कारण पूरी तरह अंधेरा हो गया। तो उनको पता है पर वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है कि क्या सॉल्यूशन इसका। मैत्री उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचर प्रत्यचष्टात्म भू भूर्देवान प्रीनन रुचिर्यागिरा। मैत्री मुनि बोल रहे कि फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी को सब पता है इसलिए मुस्कुराने लग गए, है ना? क्यों मुस्कुरा रहे? विश्व शेखर ठाकुर बोलते हैं कि देखिए भाई आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हो, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देवदत्तों को, पर मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूँ, मैंने सृष्टि बनाई नहीं भाई। सर सृष्टि बनाई भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने, मुझे क्यों बता रहे हो आप? सारे सृष्टि के निर्माता सबके जो स्रोत हैं भगवान है, मुझे क्यों बता रहे हो तुम? मैं कुछ भी कैपेबल नहीं हूँ। ब्रह्मा जी बहुत हम्बल है, बोलते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है भैया, सब कुछ भगवान से आता है ना, तो मेरी तारीफ इतने मत करो तुम, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मोवाच मनसा मे सुता युष्मत् पूर्वजा सनकादय शेरुर्विहाय सा लोका लोकेशु विगत स्पृहा। ब्रह्मा जी बोल रहे कि देखिए मेरे जो चार पुत्र हैं सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये मेरे मन से निर्मित हुए थे और आपसे भी बड़े हैं, आप आने के पहले से आए हैं। तो वो कभी कभी क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध जीव हैं भौतिक दुनिया में और आध्यात्मिक दुनिया में, ऐसे ही विचार करते रहते हैं, है ना? उनकी कोई स्पेसिफिक इच्छा नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना? ऐसे तो इन चारों संतों को कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो अभी आध्यात्मिक जगह गए थे ऐसे बता रहे हैं।
एकदा भगवतो वैकुंठस्यात्मलक्षणा वयोर्वैकुंठ निलयम् सर्वलोक नमस्कृतम्। तो अलग अलग भूमि में जाके अलग अलग ब्रह्मांडों में जाके वो अभी एक बार आध्यात्मिक जगत में चले गए और वहां पे उन्होंने वैकुंठ में जहां भगवान रहते हैं वहां पे वो चले गए ऐसे। तो यहाँ पे अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे दिखती है कि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। तो एकदा भगवतो, एक बार कभी तो ऐसे ही वो ऐसे घूमने निकले थे है ना। वैकुंठस्य अमलात्मनम, वैकुंठस्य मतलब भगवान को भी वैकुंठ बोलते हैं और भगवान के जो घर है अबोर जिसको हम बोलते हैं उसको भी वैकुंठ बोलते हैं है ना। भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है और जिन जो जगह है वैकुंठ निलयम बोला गया यहाँ पे है ना, उसको भी वैकुंठ बोलते हैं जहां पे भगवान रहते हैं है ना ऐसे। तो वहां पे वो चले गए ऐसे। वैकुंठ मतलब जहां पे कुंठा नहीं है, भौतिक दुनिया में कुंठा ही कुंठा है, सब लोग प्रॉब्लम्स घिरे हुए हैं। आज ही मैं एक कोई नया व्यक्ति आया था मंदिर में, दो तीन क्लासेस मेरे आ चुका है जो नया प्रोग्राम हमने खड़ी मशीन में चालू किया है। तो उसको किसी ने मेरा नंबर दिया, बोला कि यहाँ पे आप जाओ क्लासेस के लिए। तो मेरा आधा पौना घंटा तक वो बता रहा था कि मेरे जीवन में कितने प्रॉब्लम्स हैं। 20 साल तक वो क्रिश्चियनिटी करता रहा पर उसमें भी कुछ हाथ नहीं आया। तो उसको लगा कि अभी मैं हिंदू धर्म करके तरफ देखता हूँ और उसकी बीवी क्रिश्चियन है, तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं उनके। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हर जीव है यहाँ पे दुखी है, कुंठा में है, सबका प्रॉब्लम अलग है, हर एक को अलग अलग प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, पर वैकुंठ में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं वैकुंठ ऐसे। तो यहाँ पे अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज बाहर आ रही है। अब ये वैकुंठ वैकुंठ बोल रही है, कौन सा वैकुंठ है, कहाँ गए हैं है ना, वो एक चीज हम चर्चा करने वाले। दूसरा कि अभी आगे का स्टोरी आपको पता है कि ये दो ये चारों जन जाते हैं और जय विजय उनको मना कर देते अंतर जाने से और उनका फिर उनको ऊपर वो श्राप देते हैं। तो ये जो भी हो रहा है ये रैवत मन्वंतर में हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि अलग अलग मन्वंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं हर एक ब्रह्मा जी के दिन में, तो हर एक मनु का जो काल होता है उसको मन्वंतर बोलते हैं। तो ये जो अभी हो रहा है, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि चार जो कुमार हैं वो ब्रह्मा जी वैकुंठ गए हैं, ये रैवत मन्वंतर में हुआ था। और हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप इन दोनों का जन्म जो है चक्षुषा मन्वंतर में हुआ था, जो 8वें स्कंद में हम देखते हैं। तो ये अलग अलग मन्वंतर में आता है ऐसे। तो ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज, अब ये वैकुंठ वैकुंठ बोला गया, कौन सा वैकुंठ है? तो एक्चुअली इस भौतिक दुनिया में भी 3 प्रकार के वैकुंठ हैं, है ना। कौन बता पाएगा कि कौन से 3 है? ये बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी बोलता है कि इस दुनिया में भी 3 वैकुंठ हैं। जो वैकुंठ हम आध्यात्मिक जगत की बात करके उसकी बात नहीं कर रहे, तो इस दुनिया में वैकुंठ है उसकी बात कर रहे, भौतिक दुनिया की बात कर रहे। कौन बता पाएगा इस भौतिक दुनिया में कौन से वैकुंठ है? नहीं पता। वृंदावन? नहीं प्रभु जी, वो 108 दिव्य देशम जो है गोलक वृंदावन है। तो इसका मतलब है कि गोलोक और वैकुंठ में फर्क है ना। गोलोक वृंदावन में ईश्वर भाव नहीं होता, वैकुंठ में ईश्वर भाव होता है। यस नैन प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे? देयर आर 108 दिव्य देशम, आउट ऑफ व्हिच 106 आर देयर प्रेजेंट। नहीं, देखिए 3 प्रकार के वैकुंठ हैं। एक तो आपको पता होगा कि यस वृंदावन प्रभु, प्रभु जी जम्बूद्वीप में भगवान जो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां पर एक होता है। उसके बाद कौन से विष्णु? क्षीरोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु वहां पर होते हैं, बराबर है। देन एक जो ध्रुव महाराज का लोक है उसको भी वो वैकुंठ ही माना गया है। वेरी गुड। और तीसरा नहीं पता प्रभु जी, वो आपने बराबर उत्तर दिए, तो आपको 75% मार्क्स मिलेंगे या 66.6 जो भी आता है, बट आप पास हो गए। तो 2 ये वैकुंठ है, बराबर है। एक तो है जहाँ पे क्षीर सागर है, जहाँ पे सारे ब्रह्मा जी और देवी देवता जाते हैं जब वो रिक्वेस्ट करने आते हैं, है ना। तो यहाँ वहां पर जाते हैं, क्षीर सागर में जाते हैं जहाँ पे क्षीरोदक्ष विष्णु सोए हुए हैं, उसको श्वेत द्वीप बोलते हैं। तो वहां पे एक वो एक वैकुंठ है। दूसरा वैकुंठ है
जैसे वृंदावन प्रभु ने बोला कि जो ध्रुव प्लैनेट है वो भी वैकुंठ, क्योंकि भगवान वहां पे रहते हैं, विष्णु भगवान वहां पे रह रहे, इसलिए उसको भी वैकुंठ बोला गया। और तीसरा वैकुंठ है रमा वैकुंठ, है ना। तो ये बृहत भागवतामृत में लिखा गया है, सनातन गोस्वामी में लिखा गया है। तो और रूप गोस्वामी भी लघु भागवतामृत में लिखते हैं कि यहाँ पे जो वैकुंठ प्लैनेट की बात हो रही है, ये आध्यात्मिक जगत की वैकुंठ प्लैनेट की नहीं है, है ना, ये भौतिक जगत के वैकुंठ प्लैनेट की बात हो रही है। तो अगर आप पूछ रहे होंगे कि प्रभु जी आप कहाँ से बता रहे हो कि ये आध्यात्मिक जगत का नहीं, तो ये रूप गोस्वामी का लघु भागवतामृत आप पढ़ सकते हैं। और ये जो चर्चा हो रही है ये सत्यलोक के ऊपर एक वैकुंठ बनाया है भगवान ने, वैकुंठ भगवान नहीं, वैकुंठ मतलब कृष्ण विष्णु भगवान, और उसको बोलते हैं रमा वैकुंठ, रमा वैकुंठ बनाया है लक्ष्मी जी के लिए। तो वहां पे ये अभी जो पास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे हैं वहां पे ये हो रहा है, घटित हो रहा है ना। तो तीन वैकुंठ में से इस वैकुंठ में वो घटित हो रहा है। तो आपको अगर देखना है तो ये आठवें स्कंद में भी आता है, कहीं लिखा है रेफरेंस में, मुझे पता नहीं कौन सा श्लोक है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ आठवां स्कंद से लिखा हुआ है। पर सत्यलोक के ऊपर, सत्यलोक मतलब ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर और एक लोग बनाए हैं जिसको बोलते हैं रमा वैकुंठ, जिसको कोई एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एच वेंट टू द वैकुंठ इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक्चुअली दुर्वास मुनि जब वैकुंठ गए थे, आपको पता है दुर्वास मुनि की कथा जब अमृत स्मारक से चर्चा हुई थी, तब भी वो इसी वैकुंठ में गए थे, एक्चुअल आध्यात्मिक जगत में नहीं गए थे। सेम अभी चार कुमारों का, और भृगु मुनि भी जब गए थे विष्णु जी से मिलने तो भी उसी वैकुंठ पे गए थे, आध्यात्मिक जगत में नहीं गए। वैसे देखा जाए तो दोनों इनडिफरेंट है, दोनों ही सेम ही है, पर टेक्निकली बोला गया तो एक्चुअल आध्यात्मिक जगत में नहीं गए थे ऐसे। ठीक है, और क्या लिखा है, आगे बढ़ते हैं 14वां श्लोक। वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तय ये अनमित्त निमित्तेन धर्मेन आराधयम धयन हरिम। तभी वैकुंठ के अलग अलग निवासियों के बारे में चर्चा हो रही है। देखो अभी 14वें श्लोक में वैकुंठ में जो लोग रहते हैं उसके बारे में अभी चर्चा होने वाली है। वैकुंठ में लोग कैसे कैसे दिखते हैं, है ना, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो अभी इसके बाद पूरे आध्यात्मिक जगत का, वैकुंठ का चर्चा होने वाला है। तो वैकुंठ में कौन लोग कैसे रहते हैं, जो भगवान का स्वरूप है उसके जैसे ही होता है। तो पांच अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें एक सारूप्य मुक्ति करके होती है, है ना। सारूप्य मतलब सेम रूप, भगवान के जैसे रूप, तो भगवान का जो रूप है वैसे ही रूप यहाँ पे मिलता है, उसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। सबका स्वरूप सेम है, सबके चार हाथ हैं, उतने ही तेजस्वी दिखते हैं। इसलिए आपको जब देवदूत, देवदूत क्या बोल रहा हूँ, विष्णुदूत जब आते हैं तब कोई उनको गलती से भगवान ही मान सकता है, इतने सिमिलर दिखते हो। तो एक ही फर्क क्या है कि उनके हृदय, यहाँ पे जो वक्षस्थल है वहां पे शिववत्स का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब महालक्ष्मी नहीं है, इसलिए वो एक फर्क है। तो उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान वो विष्णु नहीं है, ये है। तो ऐसा बोला गया है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सारे जन जो है भक्ति में लगे हुए हैं यहाँ पे, और कोई काम नहीं वहां पे। तो अभी हम और चर्चा करने वाले यहाँ पे कि कैसे वैकुंठ को लोग अलग अलग ये पढ़ रहे हैं। पर देखिए भौतिक जगत में, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, हर जीव आनंद के खोज में है पर उसको आनंद नहीं मिल रहा है। पर आध्यात्मिक जगत में जो जीव जाता है या रहता है उसको भगवान की भक्ति करने में आनंद मिलता है, और यही आनंद जीव यहाँ पे आके भौतिक जगत में ढूंढ रहा है पर उसको नहीं मिल रहा है। अलग अलग चीजों में ढूंढ रहा है उसको, है ना, पर उसको नहीं आनंद मिल रहा है, क्योंकि जीव का जो मूल स्वरूप है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो भगवान की स्तुति करना, भगवान का नाम गान करना, भगवान के बारे में पढ़ना, उनके बारे में सुनना, इसमें है ना, जो नौ अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दर्शनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये अलग अलग प्रकार के नौ विधियां हैं, उसमें जीव रममानित होता है जब आध्यात्मिक जगत में होता है।
पर भौतिक जगत में आने के बाद क्या होता है, अलग अलग चीजों में ढूंढ रहा है वो, किसी को ऑफिस में बहुत काबिल बनना है, सक्सेस पाना है, किसी को सोशल एक्टिविटी में करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को हर जीव हर एक चीज में अलग अलग ढूंढ रहा है, पर उसको मूल स्वरूप में हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। पर यहाँ पे देखेंगे तो हम बता रहे हैं कि हर जो जीव है भक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि उनको उसी में सुखी मिल रहा है। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि जीव को मूल स्वरूप में आनंद मिलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन यही करना पड़ेगा, तब तक उसको आनंद नहीं मिलने वाला। इस दुनिया की उस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज ले लो, सुंदर स्त्री ले लो, सुंदर पुरुष ले लो, गहने ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, चंद्र पे चले जाओ सुनीता विलियम्स के साथ, फिर भी कुछ आनंद नहीं मिले। यही आनंद जो भगवान की भक्ति करने में है वो आपको नहीं मिलने वाला है। ये जो सत्य है ये जब हम जानेंगे तभी हम इस भौतिक दुनिया में सुख को ढूंढने का प्रयत्न विफल जो होता है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे वैकुंठ के वासी भगवान के नामगान करने वाले कर रहे हैं और उसी में उनको आनंद मिल रहा है और कुछ नहीं कर रहे। तो इस भौतिक सृष्टि में पूरी जगह और कोई भी चीज आपको इतना शांति और खुशी नहीं देगी जितना भगवान का नामस्मरण या भगवान की भक्ति। इसके लिए अलग से एक भागवत में श्लोक है, पहले स्कंद में श्लोक है, इसमें लिखा गया कि भगवान का नामगान है ना, उसको ग्राफ बोलते जी आर ए पी एच, भगवान को ग्लोरीफाई करना, और ऐसे में मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, पर उसी में जो जीव है उसको आनंद मिलता है। आपको क्या लगता है तुकाराम महाराज प्रभुपाद और हमारे जो अलग अलग सन्यासी हैं इतने रममानित क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें उनको आनंद मिल रहा है, और हम जो है कि भौतिक दुनिया में अभी भी आनंद मिल रहे हैं, कहाँ मिलेगा आनंद मुझे, कहाँ मिलेगा आनंद मुझे, मेरा नाम आनंद है फिर भी मैं बाहर आनंद ढूंढ रहा हूँ सोचिए, और आनंद है अंदर। आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथा विरक्रमे, आत्माराम है जीव एक्चुअल देखा है तो, और ढूंढ रहा है बाहर, तो यहीं पे गड़बड़ है, तो इसको हमको बदलना है ना। आगे बढ़ते हैं, अब भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, वैकुंठ में भगवान कैसे दिखते हैं। यद्यद्य पुमानस्ते भगवान शब्द गोचर सत्वम विष्टभ्य विरजम स्वानाम नो मृदयन्वश, वैकुंठ के जगत में भगवान कृष्ण वहां पे या विष्णु जो है वो विराजमान है, जो ओरिजिनल पुरुष है भगवान है जो है ना ऐसे, और शुद्ध विशुद्ध सत्व में रहते हैं, वहां पे रजोगुण तमोगुण का बिल्कुल जगह नहीं है ऐसे। तो भगवान के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है कि भगवान कैसे ओरिजिनल वहां पे रहते हैं और उनका ऐश्वर्य कैसे है। आगे बढ़ते हैं, अब वैकुंठ के पेड़ों के बारे में चर्चा हो रही है। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं काम दुघैर्दमा सर्वत्र श्रीभिर् विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत्। वैकुंठ के जगत में अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं और ये सब शुभ पेड़, यहाँ पे शुभ इस्तेमाल हुआ है, वहां पे बिल्कुल अशुभ पेड़ नहीं होते। अब आप बोलेंगे अशुभ शुभ पेड़ क्या होते हैं, जो पेड़ फल और फूल नहीं देते उनको अशुभ फूल फल बोलते हैं। ये प्रभुपाद पहले स्कंद में लिखते हैं, मुझे चैप्टर याद नहीं आ रहा है, पर पहले स्कंद में प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि अशुभ और शुभ फल होते पेड़ होते हैं, जो पेड़ फूल और फल नहीं देते वो अशुभ होते हैं ऐसे। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब रास्ते में चलते थे लोग तो दोनों साइड में शुभ पेड़ होते थे, दोनों साइड में पेड़ होते थे जो फल और फूल देते थे, इसलिए लोगों को कहीं बीच पे होटल वोटल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फल लेते थे खा लेते थे। अब आप देखेंगे तो रास्ते में अशुभ पेड़ रहते हैं, उसमें अभी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे बनियान ट्री होता है, ऐसे कुछ एक्सेप्शन हैं, नीम ट्री होता है, पर इन जनरल इन दोनों के कैटेगरी में ऐसा आता है। तो आध्यात्मिक जगत में सिर्फ शुभ पेड़ होते हैं, क्योंकि वहां पे सारे जो पेड़ हैं वो क्या है, कल्पतरु है। इसका मतलब है कि कोई भी पेड़ के पास आप कभी भी कुछ भी मांगो, आपको मैंगो जूस चाहिए माजा पीने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पेड़ से मांग लो। आपको आपको अगर कोई एप्पल जूस चाहिए मैंगो पेड़ से भी मांग सकते हैं, आपको जो चाहिए कोई भी पेड़ से सब कुछ मिल जाएगा और कभी भी मिल जाएगा। जैसे अभी अगर अगस्त सितंबर में आपने बोला कि मुझे मैंगो खाना है, कहाँ से मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, सीजन ही नहीं है। या अमरूद के अमरूद का सीजन नहीं और अमरूद मांग रहे हो, नहीं मिलेगा इस भौतिक दुनिया में, पर आध्यात्मिक दुनिया में कोई भी फल कभी भी मिलेगा।
और कोई भी पेड़ कुछ भी दे सकता है, कोई भी फल कुछ भी मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है, इसलिए क्योंकि वो कल्पतरु पेड़, इसीलिए तो उनमें और हम में यही फर्क है। आध्यात्मिक जगत में जो पेड़ है वो बहुत उच्च कोटि के, वो भी जीव है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी जीव है, पर वो एकदम सब कुछ दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैमानिक सलनाचरतानि चरितानि शश्वत गायन्ति यत्र शमलम् शपनानि भरतु अंतर्जले अनुविकसन् मधुमधा मधु माधवीना गंधेन खंडित धियो अपि अनिलम क्षिपन्त। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो वैकुंठ में जो कपल्स होते हैं है ना, हस्बैंड वाइफ, वो कैसे घूमते, इसके बारे में चर्चा हो रही। मैं यही बता रहा था आप लोगों को कुछ दिन पहले, अलग अलग जीव है कैसे, देखिए वो अलग अलग विमहारक को पर्सनल एरोप्लेन है और उसमें कोई तेल वेल डालने की जरूरत नहीं है, उसमें बोर्डिंग करने की जरूरत नहीं, बोर्डिंग पास निकलने की जरूरत नहीं है, है ना। उसमें ऐसे छोटे छोटे सीट नहीं है जिसमें ऐसे क्राउच होकर बैठना पड़ता है ना, एकदम आध्यात्मिक विमान है। हाँ, और इन विमानों में पूरी तरह से सब ऐश्वर्य है। हाँ, और उसमें जो जीव हैं अलग अलग अपनी पत्नियों के साथ और कंसोर्ट के साथ घूम रहे हैं और वो भगवान के अलग अलग गुण गा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इतना ईश्वर अगर भौतिक दुनिया में होता जैसे स्वर्ग में होता है, तो जो जीव है वो पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में लग जाता, एंजॉय करने लग जाता। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पे, वो कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, वो भगवान के गुण गा रहे हैं। देखिए एक डेडिकेटेड एरोप्लेन आपको मिला है, पर्सनल एरोप्लेन मिला है, उसमें आप घूम रहे हो और कई सारी अप्सराएं हैं, कई सारी पत्नियां हैं, उनके कंसर्ट्स हैं, फिर भी उनके मन में एक भी इच्छा नहीं आ रही। इसका मतलब है उनका मल जो है निर्मल है, बिल्कुल मन में कोई इच्छा ही नहीं, सुंदर होने के बावजूद भी उनके मन में कोई इच्छा नहीं, इसका मतलब उनका मन पूरी तरह से शुद्ध है, है ना। तो इसका मतलब है कि वैकुंठवासी जो होते हैं पूरी तरह से मन से शुद्ध होते हैं। यही अगर हालत हमारे भौतिक जगत में होती तो जीव जो है इंद्र तृप्ति में लग जाता ऐसे। तो इसका मतलब है कि जो जीव वहां पे हैं वो भगवान की भक्ति करके खुश हैं और यहाँ पे हम इंद्र तृप्ति करके खुश होने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पारावताम विप्रत सारस चक्रवाक दात्युह हंस शुक तितिरी बरहिनाम्य कोलाहलो विरमते अचिर मात्र मुच्चैर भृंगादिपे हरिह कथान इव गायमाने। अभी जो आ रहा है ये वहां के अलग अलग पक्षियों के बारे में चर्चा हो रही है। तो बता रहे हैं कि जो बम्बल भी होता है, या जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, बताएं क्या बोलते हैं इसको, जो बी होता है ना, यस माता जी क्या बोलते हैं बम्बल बी को, भौरा, भौरा बोलते हैं क्या, भौरा, 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 यस, जो भौरा है जोर जोर से भगवान की गान गा रहा है, भगवान के बारे में एकदम जोर जोर से गान गा रहा है ना। अब वहां पे कई सारे पक्षी हैं, कुकू है, क्रेन है, चक्रवाका है, स्वान है, तोता है, पीकॉक है। अब ये सारे जो आध्यात्मिक पक्षी हैं ये भी बहुत सुंदर तरीके से गाना गाते हैं, पर वो बिल्कुल शांत हैं। अब जो भवरा होता है वो कोई गाना गाने में निपुण नहीं है, है ना। हम भले ही गाने गाते होंगे, गुनगुना रहे हैं भवरे वगैरह, बट वो एक्चुअली गाना गाने में उतना निपुण नहीं है, है ना। निपुण होता है आपका जो कुकू होता है ना, तो हम कोयल बोलते हैं, या तोते को भी कभी कभी बोलते हैं कि अच्छा स्वर आवाज निकालता है। कई सारे पक्षी होते हैं अच्छा आवाज निकालते हैं, पर ये जो भवरा है वो इतने अच्छे से गा रहा है ना। और वो भी कैसे गा रहा है, बड़े पिच में गा रहा है। आप देखिए, आपने आप जब भवरा का गान सुना होगा, है ना, ऐसे करके गाता है, पर वो कोई गाना नहीं गाता है एक्चुअली, गाता है। पर सारे जो बाकी पक्षी वो शांत बैठे, क्यों, क्योंकि वहां पे वैकुंठ में कोऑपरेशन का माहौल है। इसका मतलब है कि वहां पे एक दूसरे से द्वेष नहीं। वैकुंठ का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है आध्यात्मिक भौतिक जगत से कि वहां पे बिल्कुल द्वेष नहीं है एक दूसरे से। हाँ, ऐसे तो बाकी सब जीव ये नहीं बोल रहे चुप बस तू भवरे मैं गाता हूं, नहीं, सब लोग शांति से बैठे, कोई भी आवाज नहीं कर रहा। इसका मतलब है द्वेष बिल्कुल नहीं।
तो विश्वनाथ शेखर ठाकरे यहाँ पे बोलते हैं कि जो भवरा है वो गा भी नहीं रहा है और उसको इतनी इज्जत दी जा रही है, तो अगर कोई अच्छे से गा रहा हो तो उसको कितनी इज्जत मिली। ये वैकुंठ का एटमोसफेयर है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि यही वैकुंठ एटमोसफेयर हमारे मंदिरों में रहे, इस्कॉन में रहे, कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, द्वेष ना करें, पति पत्नी से शुरुआत करें, मित्र मित्र से शुरुआत करें और फिर दूसरों तक वही जो है वो चलता रहे, है ना। तो प्रभुपाद यही लगते कि वैकुंठ एटमोसफेयर मतलब हर भक्त एक दूसरे को प्रेम कर रहा है, आदर दे रहा है, द्वेष नहीं कर रहा है और इंद्र तृप्ति करने की कोई इच्छा नहीं है। इसमें से कोई भी तोता या कोयल उठ के नहीं बोल रहे कि नहीं मुझे गाना है, मुझे स्टेज मुझे पकड़ना है, भाई तुमको गा रहे हो, बिल्कुल इंद्र तृप्ति करने की इच्छा नहीं है ना। सबको सर्व करना है, सेवा करनी है, ऐसे। अभी हम अगले टाइम से अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे, अलग अलग क्या क्या हो रहा है, अलग अलग पेड़ों के बारे में और अलग अलग चर्चा होगी, तो यही हम विराम देंगे। किसी को प्रश्न है तो कल जो है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है अपने पुणे में, तो जो जो भक्त पुणे में है तो प्लीज आइए। ये शुरुआत होगी मेरे ख्याल से लगभग 1 बजे से, सुबह 9 बजे पहंडी होगी, मतलब भगवान जगन्नाथ जी और बलदेव सुभद्रा को बाहर लाया जाएगा और फिर वहां से वो जाएंगे स्पीक ग्राउंड और वहां से फिर चलो होगा। तो आप कम से कम थोड़ी देर के लिए आइए, 1 घंटा 2 घंटा जितना हो सके। ये अश्विनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ते तुम्ही मेसेज पाठवलेला ना त्याच्यावर नरसिंह चैंटिंग ते काय प्रभु जी काही कळलं नाही मला। हां तो क्या है कि बेसिकली उसमें एक वीडियो डाला हुआ है, फिर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारा जो बेंगलोर का मंदिर है उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कुछ जो भक्त हैं वो सेंट्रल इस्कॉन जो अथॉरिटी उसको नहीं मानते हैं, 2000 से चल रहा है, 20-25 साल से, तो उसके ऊपर केस चालू हुआ है। मतलब जो हमारा मेन इस्कॉन है प्रभुपाद का और जो बेंगलोर इस्कॉन है उसके बीच में केस चल रहा है। तो बेंगलोर इस्कॉन ने उसको इलीगली अपने पास ले लिया है, तो वो लोग हमारे को डेटा प्रोवाइड नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, खुद को अलग से इंडिविजुअल मानते हैं, तो उसके बीच में केस चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में निकाल आने वाला है 2-3 महीने में। तो सब सारी भक्तों से ऐसे विवेचन किया जा रहा है कि आप लोग एक जपा मतलब 108 बार नरसिंह कवच बोलिए, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वदोमुखम, वही उस ग्रुप में डाला गया है। तो आपको अगर बोलना पॉसिबल है रोज 108 बार उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि हमारा जो बेंगलोर का इस्कॉन है हमारे कब्जे में आ जाए, मतलब प्रभुपाद के इस्कॉन मूवमेंट में आ जाए। ये बहुत दुखद बात है बट कलयुग में ऐसा होता है, क्या करें। तो हमारी तरफ से तो हम फॉर्म भरना पड़ेगा प्रभु जी, उसने फॉर्म भी दिया है ना, कमिटमेंट देना है कि मैं रोज करूंगा और करूंगी और आपको करना बस उतना ही कर, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी को?